अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास अहमदीला विद योर पार्क स्टडीज बुक 9th क्लास। कल से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोगों ने 3 पॉइंट्स कर लिए थे इंतजामी मुश्किलात तक। आज हमारा पॉइंट नंबर 4 है मुआशी मुश्किलात इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या में पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई मुआशी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके पसमानदा थे। नकल व हमल और मौसात की सहूलतें नाकाफी थी। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जानबूझ कर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमानदा रखा। यहाँ फौज के लिए जवान भर्ती करके ले जाते थे मगर यहाँ कारखाने और मिलें लगाने की जरूरत महसूस नहीं करते थे। इस बदनीयत इस बात से लगाया जा सकता है कि 75% पर्सन मशरकी बंगाल में पैदा होती थी मगर पर्सन के सारे कारखाने मगरबी बंगाल में थे और इस पर मुकम्मल कंट्रोल हिंदुओं का था। के वक्त मुतहदा हिंदुस्तान में कपड़े के 394 मगर पाकिस्तान में सिर्फ 14 कार। बैंकों की कुल शाहें 487 थी मगर पाकिस्तान के हिस्से में 69 शाहें आईं। इनका भी सारा सरमाया हिंदू अपने साथ ले गए। दरअसल कांग्रेस की साजिश ये थी कि जब पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर तबाह हो जाएगा तो ये मुल्क चल ना सकेगा। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में सासों की मुनासिब तकसीम में भी जो नासाफ़ी से काम लिया वो हीलों बहानों से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान की मशीद को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के हिस्से के सासे रोक लिए। फौजी असासों की तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री असेट्स। वैसी तकसीम के बाद फौजी असासों की तकसीम में भी इंसाफ से काम ना लिया गया। हुकूमत बरतानिया ने तय किया कि 3 जून 1947 के मनसूबे के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में तमाम फौजी असासे 64% और 36% के तनासब से तकसीम कर दिए जाएँ। मुतहदा भारत में सोलह असलाह बनाने वाली फैक्ट्रियां काम कर रही थी। उनमें से एक भी ऐसी ना थी जिसे पाकिस्तान को मिलने वाले इलाकों में बनाया गया हो। भारतीय हुकूमत असलाह बनाने वाली फैक्ट्री तो क्या, इसकी मशीनी का कोई पुर्जा भी पाकिस्तान मुंतकिल करने पर आमादा नहीं। काफ़ी तकरार के बाद तय पाया कि असलाह बनाने वाली फैक्ट्री के हवाले से पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपनी असलाह बनाने वाली फैक्ट्री कायम कर सके। आम फौजी सासों की तकसीम का जो फार्मूला बनाया गया हुकूमत हिंद ने इसे भी मुस्तरद कर दिया जिससे हालात मज़ीद पेचीदा हो गए। पाकिस्तान को अपने जायज़ हिस्से से महरूम कर दिया गया। ज़रई मुश्किलात एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है जहाँ नहरी आबपाशी के बगैर ज़राअत मुमकिन नहीं। तकसीम हिंद के वक्त दरियाओं नहरों के प्रोग्राम पर अहम हेडवर्क्स भी भारत को दे दिए गए जिसके नतीजे में हमारी नहरों का कंट्रोल भारत के पास चला गया। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत ने फिरोजपुर दरियाए सतलज और माधोपुर दरिया रावी हेडवर्क से पाकिस्तान को पानी की फ्राहमी अप्रैल 1948 में रोक दी। इस चाल का मकसद पाकिस्तान के ज़रई इलाके को बंजर करना और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना था। चनाचे सिंतास माहदा 1960 के तहत दोनों मलक के दरमियान पानी की तकसीम का मसला हल हुआ। 3 दरिया रावी सतलज और ब्यास भारत को और दूसरे 3 दरिया झेलम और चनाब पाकिस्तान को मिल गए। लास्ट पॉइंट है बेटा इस क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का सियासी मुश्किलात पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। क्याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई सियासी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त कई आज़ाद शाही रियासतों प्रिंसली स्टेट्स ने पाकिस्तान के साथ इलहाक किया। इनमें मनावादर दीर स्वात और जूनागढ़ वगैरह शामिल थी। भारत को इन रियासतों का इलाक पसंद आया। उसने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्ज़ा कर लिया। इस तरह कश्मीर पर भी भारत ने 1947 के आहर में कब्ज़ा कर लिया और इसके बाद कायद अजम की वफात पर जब कुम में निडाल थी भारत ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस तरह कदम कदम पर भारत ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ मुसलसल काम किया। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से इलहाक करना चाहते थे। इसी गुम गो की कैफियत में रियासत में तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ा। आज़ाद कश्मीर का इलाका पाकिस्तान में शामिल हो गया। यहाँ तक बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। कल मैंने आपको इस क्वेश्चन के हाफ यानी 3 पॉइंट्स करवाए थे। आज नेक्स्ट 4 पॉइंट्स मैंने करवा दिए हैं। ये आप लोगों ने यह लर्न करना है और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं तस्वीरें सेंड कर देती हूँ आप लोगों को बेटा इसकी। क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 ये आपके इस लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है और लॉन्ग इसको लर्न भी करना है और इसको नोट भी करना है और लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों ने लर्न करना है। कल इंशाल्लाह ताला बेटा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।